हेलो फ्रेंड्स नमस्कार। आज गोटे गुरुत्वपूर्ण इनफर्मेशन टे आनी वन विभाग तरफ केते प्रकार निजुक्ति आसी निजुक्ति गुड़िक देखा गले मल्टीटास्किंग स्टाफ एवं लोअर डिविजन क्लर्क पोस्ट आसी क्वालिफिकेशन बा योग्यता देखा गले दशम प्लस टू पास रखाई आपण जदि दशम पास करते आप एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ एप्लाई करेंगे आपड़ जदि प्लस टू पास करते आप लोअर डिविजन क्लर्क पोस्ट एप्लाई करेंगे। सालारी दरमा देखा गले 19,900 आरंभ कर 63,200 टंका पर्यंत सालार रही पोस्ट को आपण जदि एप्लाई करने को इंटरेस्टेड रखुचंती केवल ऑफलाइन माध्यम ही यही पोस्ट एप्लाई करेंगे। आम ओडिशा रो सब जिल्ला रो उभय महिला एवं पुरुष पिला माने आवेदन करि पारे। एथिरे एलिजिबिलिटी डिटेल्स कौन रही छि, एज लिमिट कौन रही छि, किपरि अप्लाई करिवे एवं सिलेक्शन टी किपरि होइ परिबो ए सब विषय रे मु आपनकु स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टी कहिबि। आपन जदि एथिरे अप्लाई करय चाहुचोंदी एई वीडियो टी संपूर्ण देखि नेबे, जदि पसंद आसिले गोटे लाइक कर नेबे ओ जदि चैनल टी को नुवा करि आछोंदी तबे एबे सब्सक्राइब कर नेबे जहा द्वारा आगो को आसुतवा नुवा नुवा जॉब रो इन्फॉर्मेशन गुडी को डेली बेसिस रे पाइ परिबे। चालंतु देखि नेबा कोन रही छि यार ऑफिशियल नोटिफिकेशन। प्रथमे देखंतु ऑर्गेनाइजेशन देखियो गले एनवायरमेंट फॉरेस्ट एवं क्लाइमेट चेंज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तरफ रु एही नोटिफिकेशन दी रिलीज कराई छी। केउ माने अप्लाई कर पारे ना एथिरे आम ओडिशा रो उभय पुरुष एवं महिला प्रार्थी माने एही पोस्ट पे अप्लाई कर पारे। एथिरे जॉब टाइप केउन टाइप रो जॉब रहइबो फ्रेंड्स, एही जॉब टी सेंट्रल गवर्नमेंट रो जॉब रहइबो। नेक्स्ट देखंतु पोस्ट डिटेल्स केउन सब पोस्ट रो नियुक्ति रही छी ना एथिरे लोअर डिविजन क्लर्क बा एलडीसी क्लर्क एवं मल्टीटास्किंग स्टाफ बा एमटीएस पे नियुक्ति रही छी। एही सब पोस्ट को आवश्यक थिबा एज लिमिट बा वयस सीमा रो डिटेल रही छी 31/7/2023 अनुजाई मिनिमम बयस रही है 18 वर्ष, मैक्सिमम बयस रही है 27 वर्ष। एथिरे 18 रु 27 वर्ष प्रार्थी माने एही पोस्ट में अप्लाई कर पारे किंतु एथिरे एज रिलैक्सेशन रही है जोटा कि एससी एसटी पिला मानों पे 5 वर्ष, ओबीसी पिला मानों पे 3 वर्ष, फिजिकली हैंडिकैप पिला मानों पे 10 वर्ष रो एज रिलैक्सेशन रखाई। नेक्स्ट देखंतु एही पोस्ट रे मिले थे सैलरी बा दरमा देखा गले एही लोअर डिविजन क्लर्क पोस्ट रे लेवल 2 रे 19,900 आरंभ कर 63,200 टंका पर्यंत सैलरी रही। आपण जदि एही पोस्ट पाउछंती ताले 19,900 आरंभ कर 63,200 टंका पर्यंत सैलरी पाई परिवे। सेहिपरि मल्टीटास्किंग स्टाफ रे लेवल 1 रे 18,000 आरंभ कर 56,900 टंका पर्यंत सैलरी रही। आपण जदि एही एमटीएस पोस्ट पाउछंती ताले आपण प्रति मास रे 18,000 आरंभ कर 56,900 टंका पर्यंत सैलरी पाई परिवे। यापर देखंतु एही पोस्ट थिबा एजुकेशन क्वालिफिकेशन बा शिक्षागत योग्यता देखा गले एही लोअर डिविजन क्लर्क पोस्ट पे प्लस 2 एनएसटीएम पास रखाई छि, ता सहित टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड्स पर मिनट रखाई छि इंग्लिश रे किंबा 30 वर्ड पर मिनट हिंदी रे रखाई छि। या सहित बेसिक कंप्यूटर नॉलेज मध्य रखाई छि। आपण जदि प्लस 2 रे एनएसटीएम रे पास करते आर्ट्स हो किंबा कॉमर्स हो किंबा साइंस हो ता सहित टाइपिंग स्पीड जदि 1 मिनट को 35 वर्ड टाइप कर पड़थिए इंग्लिश रे किंबा 1 मिनट को 30 वर्ड हिंदी रे जदि टाइप कर पड़थिए एवं बेसिक कंप्यूटर नॉलेज अछि वर्ड पावर पॉइंट एक्सेल रो ताले आपण ए एलडीसी क्लर्क रे अप्लाई कर परिवे। सेहिपरि मल्टीटास्किंग स्टाफ रे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बा शिक्षागत योग्यता देखा गले केवल दशम पास रखाई छि। आपण जदि दशम रे पास करछन्ति ताले आपण ए मल्टीटास्किंग स्टाफ रे अप्लाई कर परिवे। नेक्स्ट देखंतु ए सिलेक्शन प्रोसेस टी किपर रहबो ना एथिरे रिटन टेस्ट रही छि। ए रिटन टेस्ट समस्त क्वेश्चन गुडी को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रो आसीबो। जदि आपण एलडीसी क्लर्क पे अप्लाई करछन्ति ताले आपनकु टाइपिंग टेस्ट देबा हबो। जदि आपण केवल एमटी पोस्ट अप्लाई करछन्ति ताले केवल आपण रिटन टेस्ट देले आपण जदि क्वालिफाई करछन्ति ताले आपनर सिलेक्शन टी होइ पारो। नेक्स्ट रही छि आपनकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपणकर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेला परे आपणकर सिलेक्शन टी होइ पारो। नेक्स्ट देखंतु फ्रेंड एथिरे एग्जाम पैटर्न टी किपर रहबो ना एथिरे आपण जदि लोअर डिविजन क्लर्क पोस्ट पे अप्लाई करछन्ति तबे रिटन टेस्ट देबे। ए रिटन टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप रो क्वेश्चन आसीबो। एथिरे 100 टी क्वेश्चन पे 100 मार्क रखा जाइछि। एथिरे सब्जेक्ट गुडी को देखे होले क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बा बेसिक अरिथमेटिक स्किल्स रहिछि, तापर रहिछि इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक नॉलेज, तापर रहिछि जनरल अवेयरनेस, तापर जनरल इंटेलिजेंस। ए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे 25 मार्क रहिछि, इंग्लिश लैंग्वेज पे 25 मार्क, जनरल अवेयरनेस रे 25 मार्क रहिछि एवं जनरल इंटेलिजेंस रे 25 मार्क रखाई। टोटल मार्क देखियो हले 100 मार्क रखाई। ए समस्त क्वेश्चन रो आंसर देबा पे आपनको 1 घंटा 30 मिनट रो समय मिलियो। एथेरे जदि आपन क्वालिफाई करछन्ति तापर आपनकर स्किल बा प्रोफिशिएंसी टेस्ट रहिछि। एथेरे आपनकर आपन टाइपिंग टेस्ट करा जिवो जोटा रे कि आपन 35 वर्ड्स इंग्लिश रे टाइप कर पथे किंबा 30 वर्ड्स हिंदी रे जदि टाइप कर पछन्ति ताले आपन ए
ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟରେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ମଲ୍ଟି ଟାସ୍କିଂ ଷ୍ଟାଫ ବା ଏମ୍ଟିଏସ୍ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ରିଟର୍ନ ଟେଷ୍ଟ ରହିଛି, ଯୋଉଟାକି ଏଇ ରିଟର୍ନ ଟେଷ୍ଟରେ ସବଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ରିଜନିଂ ଆବିଲିଟି ପାଇଁ 25 ମାର୍କ ରହିଛି, ନ୍ୟୁମେରିକାଲ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ପାଇଁ 25 ମାର୍କ ରହିଛି, ଜେନେରାଲ ଇଂଲିଶରେ 25 ମାର୍କ, ଜେନେରାଲ ଆୱାରନେସରେ 25 ମାର୍କ ରଖାଯାଇଛି। ଏଥିରେ 4ଟି ସବଜେକ୍ଟ ରହିଛି, ଏହି 4ଟି ସବଜେକ୍ଟ ପାଇଁ 100 ମାର୍କ ରଖାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଭାଲ୍ୟୁ 1 ମାର୍କ ରହିବ ଏବଂ ଏଥିରେ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ଦେଖିବା ହେଲେ 1 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍ର ସମୟ ରହିଛି। ଦୁଇଟି ଯାକ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ ରହିଛି, ଯୋଉଟାକି 0.25ର ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ 4ଟି ଭୁଲ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର 1 ମାର୍କ କଟିବ, ଯଦି ଗୋଟେ ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି 1 ମାର୍କ ମିଳିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏଥିରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ଟି କିପରି ରହିବ, ନା ଏଥିରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମୋଡ୍ଟି ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ରଖାଯାଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ୱେବସାଇଟ୍ଟି ରହିଛି www.nits.ac.in, ସାଇଟ୍କୁ ଯିବେ, ସେଥିରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ, ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବେ ଏବଂ ତାପରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିନେବେ। ଏଥିରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ରିସିପ୍ଟ ଡେଟ୍ ବା ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ 31 ଜୁଲାଇ 2023 ରହିଛି। ଏ ସମସ୍ତ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କୁ ଜେରକ୍ସ କପି ବାହାର କରିବେ, ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ କରିବେ, ଏହି ଆଡ୍ରେସ୍ ଆପଣ ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ କରିନେବେ, ଯୋଉଟାକି ଟୁ ଦି ଡିରେକ୍ଟର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଫରେଷ୍ଟ ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି, ଦୁଲାପଲ୍ଲୀ, ଓମପଲ୍ଲୀ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ 500100। ଏହି ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଛି 31/7/2023 ପୂର୍ବରୁ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବେ। ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ SC/ST ଓମେନ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୋ ଫି ରହିଛି। ଏଥିରେ SC/ST ଏବଂ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୋ ଫି ରଖାଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଜେନେରାଲ, EWS ଏବଂ OBC ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି 300 ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିଡ଼ିକୁ କିପରି ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ, ନା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିଡ଼ିକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିଡ଼ିକୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏଥିରେ କଣ ଡକୁମେଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ, ନା ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର 10ମରୁ ଆରମ୍ଭ କରି +3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋର୍ଡ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ମାର୍କସିଟ୍ର ଜେରକ୍ସ କପି ବାହାର କରିବେ, ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ କରିବେ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଇମେଲ୍ ଆଇଡି ଏବଂ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଆବଶ୍ୟକ ରହିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର 10ମରୁ ଆରମ୍ଭ କରି +2 ଯଦି +3 ଅଛି ତାହାର ମଧ୍ୟ ବୋର୍ଡ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ମାର୍କସିଟ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ପେମେଣ୍ଟ କରିବାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତାପରେ ରିସେଣ୍ଟ କଲର ପାସ୍ପୋର୍ଟର ଆବଶ୍ୟକ ରହିବ। ତାପରେ କେସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯଦି ଅଛି, OBC ହୋଇଥିବେ କିମ୍ବା SC/ST ଥିବେ, ତାହେଲେ ତାର କେସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ସର୍ବଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ 1 ID ପ୍ରୁଫ୍ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ରହିବ, ଯୋଉଟାକି ଆଧାର କାର୍ଡ ହଉ, ଭୋଟର ଆଇଡି କାର୍ଡ ହଉ, କିମ୍ବା ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ହଉ, ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଏହାର ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଦେଖିବା କିପରି ରହିଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସେଠାରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ICFRU ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଡାଇଭର୍ସିଟି ତରଫରୁ ଏହି ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ରିଲିଜ୍ କରାଯାଇଛି। ନୋଟିଫିକେସନ୍ ନମ୍ବର ଦେଖିଲେ 441 ଡେଟେଡ୍ ରହିଛି, 19 ଜୁନ୍ 2023 ରହିଛି। ଏହି ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି 19 ଜୁନ୍ 2023 ତାରିଖ ଦିନ ରିଲିଜ୍ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ଲୋୟର ଡିଭିଜନ୍ କ୍ଲର୍କ ଏବଂ ମଲ୍ଟି ଟାସ୍କିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟ ଆସିଅଛି। ଏହି ଲୋୟର ଡିଭିଜନ୍ କ୍ଲର୍କରେ ସାଲାରୀ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ଲେଭେଲ୍ 2ରେ 19,900 ଆରମ୍ଭ କରି 63,200 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଲାରୀ ରହିଛି। ସେହିପରି ଏହି ମଲ୍ଟି ଟାସ୍କିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ରେ ଲେଭେଲ୍ 1ରେ 18,000 ଆରମ୍ଭ କରି 56,900 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଲାରୀ ରହିଛି। ଏଥିରେ ଏଜୁକେସନ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ବା ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ଏହି LDC କ୍ଲର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର +2 ପାସ୍ ରଖାଯାଇଛି। ଏନି ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ପାସ୍ କରିଥିବେ, +2 ଆର୍ଟ୍ସ, କମର୍ସ କିମ୍ବା ସାଇନ୍ସ, ତା ସହିତ ଟାଇପିଂ ସ୍ପିଡ୍, ଆପଣ ଯଦି ଟାଇପ୍ ରାଇଟର୍ରେ ଯଦି ଟାଇପ୍ କରିବେ ତାହେଲେ 30 words per minute ରଖାଯାଇଛି, ଆଉ ହିନ୍ଦୀରେ 25 words per minute ରଖାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଟାଇପ୍ କରିବେ ତାହେଲେ 35 words per minute ରଖାଯାଇଛି। ଇଂଲିଶରେ 1 ମିନିଟ୍କୁ 35 words ଟାଇପ୍ କରିପାରୁଥିବେ, କିମ୍ବା ହିନ୍ଦୀରେ ଆପଣଙ୍କର 30 words per minute ଯଦି କରିପାରୁଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ କିନ୍ତୁ ମଲ୍ଟି ଟାସ୍କିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ କେବଳ 10ମ ପାସ୍ ରଖାଯାଇଛି। ଆପଣ ଯଦି 10ମ ପାସ୍ କରିଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ବା ବୟସୀମା ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ 31/7/2023 ଅନୁଯାୟୀ ମିନିମମ୍ ବୟସ ରହିଛି 18 ବର୍ଷ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏଜ୍ ରହିଛି 27 ବର୍ଷ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରହିଛି, ଯୋଉଟାକି SC/ST ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 5 ବର୍ଷ, OBC ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 3 ବର୍ଷ, ଫିଜିକାଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ଥିଲେ 10 ବର୍ଷର ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରଖାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଥିରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ରହିଛି। ଆପଣ ଯଦି ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ରେଗୁଲାର ବେସିସ୍ରେ ଆପଣ ଜବ୍ଟି ପାଇପାରିବେ। ଏଥିରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ SC/ST ଓମେନ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ନାହିଁ, ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ରିରେ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଜେନେରାଲ, EWS ଏବଂ ପୁରୁଷ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି 300 ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିଡ଼ିକୁ କିପରି ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, ନା ଏଥିରେ ଆପଣ ଡିମାଣ୍ଡ ଡ୍ରାଫ୍ଟ କରିପାରିବେ, ନ୍ୟାସନାଲାଇଜ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଥ୍ରୁରୁ କରିପାରିବେ, ଇନ୍ ଫେଭର ଡିରେକ୍ଟର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଡାଇଭର୍ସିଟି ପେବଲ୍ ଏଟ୍ ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଏପରି ଆପଣ ଡିମାଣ୍ଡ ଡ୍ରାଫ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ,
एग्जाम पैटर्न टे किपर रहबो ना एथिरे एथिरे आपन रिटन टेस्ट रहिछि जोडा कि समस्त क्वेश्चन गुडी को आपनर एई रिटन टेस्ट ओएमआर बेस्ड टेस्ट रहबो एथिरे ओएमआर शीट आपनकु आंसर देबा को हबो एवं एथिरे एथिरे देखंतु जनरल एवं ईडब्ल्यूएस प्रति मान पे 50% जदि मार्क आउछन्ति क्वालिफाई कर परे किंतु ओबीसी पिला मान पे 45% जदि आउछन्ति क्वालिफाई करिवे एससीएसटी पिला माने जदि 40% मार्क आउछन्ति ताले आपन ए रिटन टेस्ट रे क्वालिफाई कर एते देखंतु ए साइट टी रहिछि ए साइट को जाय आपन नोटिफिकेशन मध्ये डाउनलोड कर परे आपन जदि एलडीसी क्लर्क पे अप्लाई करछन्ति ताले आपनर प्रोफिशिएंसी किंबा स्किल टेस्ट रहिछि सेतिर जदि आपन क्वालिफाई करले ताले आपनर सिलेक्शन टी होइ परियो आपनर प्लेस ऑफ पोस्टिंग टी देखियो बोले आईसीएफआर आईएपी हैदराबाद रे होइ परियो किंबा तार सेंटर रहिछि विशाखापट्टनम मध्ये आपनर प्लेस ऑफ पोस्टिंग टी होइ परियो ऑलरेडी मु कहि सारछि एथिरे एग्जाम पैटर्न टी किपर रहबो ना एथिरे लोअर डिविजन क्लर्क पे आपनर सब्जेक्ट गुडियो देखले क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे 25 मार्क रहिछि इंग्लिश लैंग्वेज पे 25 मार्क जनरल अवेयरनेस पे 25 मार्क जनरल इंटेलिजेंस पे 25 मार्क रखा हैछि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन देखले 100 क्वेश्चन पे 100 मार्क रखा हैछि सेपरि मल्टीटास्किंग स्टाफ रे सब्जेक्ट गुडियो देखले रीजनिंग एबिलिटी पे 25 मार्क न्यूमेरिकल एबिलिटी एप्टीट्यूड पे 25 मार्क रहिछि जनरल इंग्लिश रे 25 मार्क रहिछि जनरल अवेयरनेस पे 25 मार्क रखा है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन देखियो होले 100 टी क्वेश्चन पे 100 मार्क रही एवं ड्यूरेशन देखियो होले आपन को 1 घंटा 30 मिनट रो समय मिलियो समस्त क्वेश्चन रो आंसर देवा पे एते देखंतु एते नेगेटिव मार्किंग रही 0.25 रो नेगेटिव मार्किंग रही जदि आपन 4 टी भूल करंदे ताले आपन रो 1 मार्क कटिवो एही एप्लीकेशन फॉर्मेट रही ए एप्लीकेशन फॉर्मेट को डाउनलोड करिए प्रिंट बाहर करिए एटा फिल अप करिए ता सहित आपन समस्त एजुकेशन क्वालिफिकेशन रो डॉक्यूमेंट गुडी को जेरेस को बाहर करिए सेल्फ अटेस्टेड करिए एडो अटैच करिए एवं स्पीड पोस्ट करिए जोडे लास्ट डेट रही 31/7/2023 रही जो पोस्ट में आपन अप्लाई करिए से पोस्ट लिखिए एडवर्टाइजमेंट नंबर टी लिखिए डिमांड ड्राफ्ट नंबर लिखिए डेट लिखिए फीस लिखिए क्यों बैंक रे आपन डिमांड ड्राफ्ट कले सेटा लिखिए नेम लिखिए फादर्स नेम लिखिए डेट ऑफ बर्थ लिखिए इयर्स मंथ डेज लिखिए नेशनलिटी लिखिए तापर आपन रो क्यों कैटेगरी सेटा लिखिए तापर जेंडर लिखिए एथिरे आपन रो पासफोटो टी पेस्ट करिए एड्रेस लिखिए वैलिड मोबाइल नंबर किंबा वैलिड ईमेल आईडी लिखिए आधार नंबर लिखिए तापर आपन रो एजुकेशनल डिटेल्स पूरा फिल अप करिए दशम प्लस 2 प्लस 0 फिल अप करिए क्यों इयर पास कले सेटा लिखिए क्यों बोर्ड मैट्रिक रो क्यों बोर्ड प्लस 2 रो क्यों बोर्ड प्लस 3 रो क्यों बोर्ड सब पूरा लिखिए सिग्नेचर करिए प्लेस डेट लिखिए और सही एड्रेस आपन स्पीड पोस्ट किंबा रजिस्टर्ड पोस्ट करने में लास्ट डेट रही 31/7/2023 रही एटा थिला मोर इनफॉरमेशन जदि आपनको पसंद आसिला निजो निजो सांगसाथी मानको शेयर करंतु और आम चैनल टी सब्सक्राइब करनंतु।